साथियों, टीएमसी बंगाल में भ्रष्टाचार का भी खुला खेल खेल रही है। सरकारी ठेके टीएमसी के गुंडों का बिजनेस बन गए हैं। यहां तक कि प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती तक में घोटाले हो रहे हैं। सरकार में मंत्रियों के ठिकानों पर रेड होती है तो करोड़ों रुपया कैश बरामद होता है। एजेंसियां जब भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई के लिए जाती हैं तो उन पर हमले करवाए जाते हैं। भाइयों और बहनों, टीएमसी ने एक तरह से बंगाल को अवैध घुसपैठियों और अपराधियों को लीज पर दे दिया है। इसलिए बंगाल सरकार घुसपैठियों को संरक्षण देती है और कानूनी शरणार्थियों को नागरिकता देने वाले सीएए कानून का विरोध करती है। आपको इनकी अफवाहों में नहीं आना है। ये अपने भ्रष्टाचार और अपराधों को छिपाने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। टीएमसी को इनके पापों की सजा कमल का बटन दबाकर देनी है।